निम की मुखिया का बदल गया अंदाज, बदल गया है उसका लिबास। छोड़कर पटियाला सूट उसने पहन लिया है मिनी फ्रॉक, और हाँ कानों में बड़े बड़े झुमके। निम्की ने अपना ये अंदाज इसलिए बदला है क्योंकि वो पहुंची एक ऐसे इवेंट पर जहां मिसेस इंडिया यूनिवर्स मूवमेंट को प्रोत्साहन देने की कोशिश हो रही है और महिलाओं को उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दिलाने का प्रयास हो रहा है। आई थिंक निम्की की लुक में सब लोग अभी यूज टू हो गए हैं, एंड व्हेन आई नॉर्मली गेट ड्रेस एंड मैं स्टेप आउट करती तो मुझे लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि वो निम्की को इतना देखते हुए यूज टू है कि वो सलवार सूट निम्की का फंकी कलरफुल आउटफिट फंकी हेयर स्टाइल। बट मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ लाइक फॉर इवेंट्स एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक लुकिंग एट मी इन दिस अवतार आई डोंट थिंक सो पीपल कुड रिकॉग्नाइज इट। निम्की यानी की भूमिका के अलावा यहाँ स्मृति खन्ना भी आई थी जिनकी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई है, तो टीवी के कुछ और सितारे भी यहाँ इनवाइटेड थे और ये सारे अपने अपने स्टाइल स्टेटमेंट को अपने लिबास के जरिए बयां कर रहे थे। एक्चुअली मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ के लिए नहीं बनाई थी, मैंने एक दिन के लिए लुक थी मेरी और आई वांटेड टू कीप इट सिंपल, सो आई एम जस्ट वेयरिंग लाइक अ वाइट टॉप। आई हैव अ लॉट ऑफ व्हाइट्स इन माय वार्डरोब, आई लव वेयरिंग व्हाइट्स। मेरे पूरे समर्स में आप सारी लुक्स में व्हाइट जरूर देखेंगे और मैंने साथ में एक हाई वेस्टेड पैंट्स पहनी है जो अगेन विच इज दीज आर ट्रेंडिंग एंड विद अ सिंपल बैग एंड शूज। सो जब भी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, इवन जब मैं कोई भी शो में जा रहा हूँ या मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो ये हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। यहाँ हर किसी का ध्यान निम्की यानी भूमिका पर ही था क्योंकि भूमिका को पहली बार किसी इवेंट पर ऐसे अवतार में देखा गया है। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। एवरीवन, मैं हूँ रिशीना कंधारी। आप लोगों ने मुझे एज अर्पिता खन्ना इन दिया और बाती हम में देखा है और एज शांति टीचर इन ये उन दिनों की बात है में देखा है। आज मैं आपको लेके आई हूँ पूरा दिन अपने साथ स्पेंड करने के लिए सास बहू और साजिश में, और ये है जगह जहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है। दिस इज महालक्ष्मी रेस कोर्स एमेचर्स रेसिंग क्लब एंड This is a place where I really belong, you know. I really love coming here. मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैं यहाँ पे आती हूँ। 6 बजे मेरी क्लास रहती है, 6 से 7 मैं यहाँ 1 घंटा स्पेंड करती हूँ। तो दोस्तों ये सुरेश जी हैं यहाँ के, मैं प्रेसिडेंट हूँ एमेचर राइडर्स क्लब का, यहाँ के कर्ता धर्ता यही है और ये मेरे कोच भी हैं। मैं आपको मेरे घोड़े से मिलवाती हूँ, ये है गोलोंद्रीना, इसे अर्जेंटीना से इंपोर्ट किया गया था और एमेचर्स राइडिंग क्लब ने इसे यहाँ पे लाया है और आई थिंक ऐसे बहुत सारे घोड़े हैं जो फुली ट्रेंड हैं और उनके ऊपर राइड करने का अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है।
स्टार्टिंग तो यहाँ हमारी हो गई है, अब मैं आपको लेके जाऊंगी मेरे घर। लेट्स गो। पहली बार कैमरा फेस किया था सीआईडी के एपिसोड में। तो सीआईजी का एक एपिसोड बन रहा था और मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ या व्हाट और व्हाट नॉट। बट क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम करोगी, तो आई वाज लाइक ओके, आई डोंट माइंड गिविंग इट अ चांस। और सीआईडी का एपिसोड मैंने फर्स्ट टाइम किया था और तब वहाँ पे मैंने कैमरा फेस किया था। आई वॉज अगेन वेरी लकी टू गेट दिया और बाती हम। दिया और बाती हम का भी बहुत अजीब सा इत्तेफाक था, क्योंकि उन्होंने अर्पिता खन्ना के कैरेक्टर को सिर्फ एक महीने के लिए बुलाया था और उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा था, रशीना दिस इज़ ओनली अ वन मंथ कैमियो, हम संध्या को वापस लेकर आ रहे और हमको उसके साथ में कोई टक्कर का चाहिए ऑफिसर जो यू नो सारे टास्क करेगा और सब करेगा। तो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अगेन एक्शन और वर्दी, मतलब वर्दी तो मुझे इतनी पसंद है कि पूछो मत। सो आई वॉज लाइक सुपर एक्साइटेड टू वेयर दैट पुलिस यूनिफॉर्म और एक्शन सीक्वेंसेज। तो उसमें दिया बाती में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेज थे वो मैंने खुद किए थे। राइडिंग से हम वापस आ गए और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरे दो अनमोल रत्नों से, दैट इज माय डियर पेट्स, माय बर्ड्स तारा एंड सूरज। ये है टियारा कंधारी, ये मेरी प्रिंसेस है, शी इज 10 years old और अभी इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको अभी अभी उठाया है हमने, तो ये थोड़े अपने सेंसेस में आएगी, उसके बाद में इसकी मस्ती आपको देखने को मिलेगी। पूजा हो गई, नहा ली मैं, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे घर की छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाने के लिए जो मैंने बहुत प्यार से इकट्ठी करी हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे घर की बेटी लक्ष्मी के कमरे से। तो ये टिया का कमरा है और बच्चों के छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो इसके वॉलपेपर है उसको पूरा गैलेक्सी का फील दिया हुआ है। ये सारे उसके मेडल्स हैं और मैं बहुत 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 प्राउड हूँ इस बच्चे के लिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है और 5 बजे इसकी एथलेटिक्स की क्लास भी शुरू हो जाती है और फिर वो इतने अच्छे अच्छे मेडल्स भी लेके आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ओके तो अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे घर के छोटे छोटे लाफिंग बुद्धास, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा का घर में होना बहुत शुभ होता है और उनके रहने से गुड वाइब्स रहती हैं घर में और अच्छा लक आता है। और ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ये मेरी भांजी जो है दिल्ली में रहती है निहारिका पावा, उसने पेंट किया है, वो बहुत अच्छी पेंटर है। That's my father, Mr. अशोक अवस्थी। और ओ आई हैव टू टेल यू दिस, ही इज ऑल्सो एन एक्टर और डैडी ने बहुत बड़े बड़े कमर्शियल्स करे हैं, कुरकुरे, कैंडी मैन और पता नहीं कितने कितने सारे। जो भी सीखा है मैंने वो मेरी मम्मी से सीखा है। Don't get jealous, मैंने पापा से भी बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं। नहीं, मैंने भी मम्मी से ही सीखा। ये छोटे से गणपति है मैंने एंट्रेंस पे इसलिए रखे हैं क्योंकि ये विघ्न हरता है और कोई भी विघ्न हमारे घर में घुस नहीं सकती क्योंकि ये खड़े हुए हैं सामने। और जब भी हम लोग एंटर करते हैं घर में या जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो विशिंग व्हील के बाद में यहाँ से निकलते वक्त हम ऐसे घंटी बजाते हैं। एंड आई और स्पेशली मी, मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ और ध्यान रखना, और जब मैं वापस आती हूँ तब मैं घंटी बजाती हूँ और मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, मैं सही सलामत घर वापस आ गई। ये मेरे घर का दूसरा हिस्सा है जो ड्राइंग रूम है और इसको भी मैंने वैसे ही थोड़ा डेकोरेट किया है। ऑब्वियसली दीज आर ऑल प्लांट्स, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। और फिर से एक और बार कहूँगी कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें नहीं खरीदी हैं, जैसे कि ये सब हैं, ये शंख हैं और जो मंदिर के जो लोटे होते हैं वो, और पत्थर जो मैं और मेरी मम्मी कभी भी अगर बाहर घूमने जाते हैं जैसे एडवेंचर के लिए एंड जंगलों में और समुंदर के किनारे अगर ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है जो बहुत सुंदर दिखती है उसको मेरी मम्मी उठा लेती है। सो दिस इज़ माय हॉबी, दिस इज़ माय सेकंड हॉबी, दिस इज़ माय कैमरा। और ये मैं पहला कैमरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपने पैसे से अपने बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट किया है। सो दिस इज द पार्ट, ये है वो जगह, मेरी फेवरेट स्पॉट मेरे घर का, जो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बैठना है और कुछ सीखना है तो मैं इस जगह पे आती हूँ, यहाँ से एक किताब निकालती हूँ और अपना कोना पकड़ के पढ़ने लग जाती हूँ। छुट्टी के दिन जब भी वक्त मिलता है तो मैं एक और चीज़ करती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको मिलाने जा रही हूँ मेरी बीथोवन से। सो आई विल बी योर स्टूडेंट एंड यू बी माई टीचर। और हम आज स्टियारा से सिंथेसाइजर बजाना सीखेंगे। इसलिए गाते हैं क्योंकि इनको मैं 4:30 बजे उठाता हूँ, 4 बजे उठाता हूँ, हाँ, ये फिर दूध पी के आधा घंटा सो जाती है इसलिए 4:30, तो 4:30 बजे उठ के फिर 5 बजे से ये 6:30 बजे तक इसकी ट्रेनिंग होती है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई थिंक आई हैव टू थैंक विशाल फॉर वॉट एवर यू नो आई एम टुडे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। छुट्टी का दिन इसी तरह हंसते खेलते बीत जाता है और सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। मेरे को पता चलता है क्योंकि
क्योंकि इसकी छुट्टी के दिन मेरा जो बटुआ है वो बहुत हल्का हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को भी मेरे साथ पूरा डे आउट करके बहुत मजा आया होगा, राइट फ्रॉम द राइडिंग टू ईटिंग। जज्बातों का सिलसिला फिर एक बार छिड़ गया है, यहाँ जज्बातों के साथ खासी ठिठोली भी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तीन अनजान लोग मिलकर एक नई कहानी रचेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जी टीवी के शो जज्बात की, जहाँ भारती हर्ष, भरुण सूपती और जैन इमाम पहुँचे हैं अपने जिंदगी के कुछ छुपे हुए पलों को शेयर करने। राजीव खंडेलवाल की सबसे पहले मुलाकात हुई भारती और हर्ष के साथ, और जहां राजीव ने उनके साथ एक क्यूट सा गेम खेला और उसी के साथ साथ भारती को अपनी मां के संघर्षों के बारे में भी बताने का मौका मिला। सिचुएशन है कि भारती को हर्ष की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, वो किसी और थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज़, मैं हमेशा थैंक्स करती हूँ मेरी शादी को इतना बड़ा बनाने के लिए। सो ऐसे सारे चाचा चाची आए थे, वैसे एबीपी न्यूज़ भी आया था, थैंक यू सो मच। अभी तो फैमिली वाला रिश्ता हो गया और जज्बात, काफ़ी जज्बात खुले हैं इस शो में आके, अंदर से निकले हैं। मोटापे पर बहुत लोगों ने बात की, फेम पर बहुत लोगों ने बात की, कॉमेडी पे बहुत लोगों ने बात की, डांस पे, लेकिन माँ पे कभी किसी ने बात नहीं की थी। आज इस शो में आके मुझे अपनी मम्मी के बारे में इतना बोलने को मिला, क्योंकि मैं चाहती थी कि दुनिया के सामने आए कि यस, सिंगल मदर ने बड़ा करके इतना बड़ा किया है लड़की को। सो बस आई लव यू मॉम। और मैंने बोला था भगवान मुझे माफ़ करे, मैं बोलती थी मैं मंदिर कम जाती हूँ, थोड़ा मंदिर क्योंकि मेरे घर में भगवान है तो हम बाहर क्यों ढूँढें। और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डर है जो आपको लगता है, मुझे यही लगता है कि मेरी मम्मी मुझसे अलग ना हो, क्योंकि कितना जीना सच है और मतलब जीना झूठ है और मरना सच है। तो कभी सुनती हूँ किसी का तो मैं, मुझे बहुत होता है कि यार नहीं, मैं चली जाऊँ, मैं वो सुन ना पाऊँ कभी। भारती और हर्ष के बाद भरुण सोपती और जैन इमाम भी नजर आए इस स्टेज पर अपने घोड़े दौड़ाते हुए। इन्हीं घोड़ों के साथ हुई जैन और भरुण सोपती की एंट्री, और फिर क्या, राजीव के साथ जज्बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वक्त कैसे बीता जैन और भरुण को खुद पता ही नहीं चला।
हाँ तो अब मैं डर गया हूँ। किस बात को लेकर के डर गए? यार मैं वैसे भी जनरली वेरी सेंसिटिव, सो आई डोंट नो कि व्हाट कम्स अप व्हाट नॉट, बट नो आई एम रियली एक्साइटेड एक्चुअली, लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन जब आपको बुलाया गया होगा तो कुछ बोला है कि मतलब? एक्चुअली यार मेरे को दो तीन बारी ब्रीफ करने की कोशिश की इन लोगों ने, बट व्हाट्स द पॉइंट फॉर द होल फन गोज अवे ना इफ आई नो एवरीथिंग एग्जैक्टली क्या होने वाला है, देयर इज नो पॉइंट। ओके, तो आपके साथ ज़ैन भी हैं आप दोनों, मतलब जैसे कभी और पहले मिले हो या? नो नॉट रियली, वरुण से मैं कभी मिला नहीं, बट अभी मिला हूँ मैं वैनिटी में, तो पहली बार हम दोनों इंटरेक्ट किया। आई थिंक वो भी दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, पता लगा वो भी कम बोलते हैं, मैं भी कम बोलता हूँ, so, पता नहीं शो कैसे जाने वाला है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक राजीव ने कुछ क्वेश्चंस तैयार करके रखे हमारे लिए और हमें पता नहीं है वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो आई थिंक जो भी होगा बहुत ही स्पॉन्टेनियस होगा, सो जस्ट वेटिंग फॉर इट। जैन ने हमसे उस सफर के बारे में भी बात की जो वो शुरू करने वाले हैं, और जैन का ये सफर खतरों से भरा हुआ होगा क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी के इस नए सीजन में नजर आ सकते हैं। मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ मैं। खतरों से भी खेलने का बहुत शौक है मुझे, और वेल खतरों के खिलाड़ी भी हैं। आपको किसने बताया कि मैं जा रहा हूँ? हाउ कैन यू बी सो श्योर? आपकी खुशियाँ आपके चेहरे की झलक से बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर गुड बाय ना। अभी मौका मिला ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। राजीव के साथ इन तीनों एक्टर्स के जज्बातों का सिलसिला तो यहाँ खत्म हुआ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है जनाब। कोई और कलाकारों के ऐसे ही छुपे हुए राज हम भी आपको बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Welcome to all of you guys. आज मैं यहाँ आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही खास चीज़ करने वाली हूँ। आपको पता है generally हम लोग सब हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं, फिट रहने की कोशिश करते हैं, and of course उसके लिए बहुत ज़रूरी है that you eat healthy. And eat healthy का मतलब है कि you eat vegetables, you eat fruits, a lot of these things. जब भी आप बाजार जाते हैं अपनी सब्जियाँ और फल लेने के लिए, तो आधे से ज़्यादा टाइम पर आपको पता नहीं होता है कि उसमें कुछ दवाइयाँ डाली हुई हैं, वो कितने प्योर है, अडल्ट्रेटेड नहीं है। इसलिए आज हम एक बहुत सिंपल सी चीज करने वाले हैं, वेयर वी आर गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन डू सम होम ऑर्गेनिक फार्मिंग। घर पे आप कैसे अपनी खुद की चीजें उगा सकते हैं, वो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर है सरब। हेलो सरब, शी इज गोना शो अस कि हम कैसे घर पर ये प्यारे प्यारे से पौधे उगा सकते हैं, जिससे हमें ऑफकोर्स that's gonna be food for us. तो चलिए सरब, let's start. हम usually मैंने देखा है कि सबके घर में तुलसी एक पौधा है जो सबके पास होता है और इसकी पूजा भी करते हैं। वेल उसके खाने के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। यस बहुत बेनिफिट्स होते हैं। वो यूजली ऐसे होते हैं कि उनमें पत्ते कम होते हैं और ये टहनियाँ ज्यादा होते हैं। सब उसकी पूजा बहुत ज्यादा करते हैं बट ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि आपका प्लांट अगर ऐसा दिख रहा है तो वो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। वो और हरा भरा होना चाहिए, घना होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसको कट करते रहना चाहिए। लोग बहुत घबराते हैं, प्लांट को कट नहीं करते हैं, बट जब आप उसको कट करोगे वो ऐसे ब्रांच होना शुरू हो जाता है।
उसकी टहनियाँ बढ़ जाती है और वो बहुत लश हो जाता है. तो आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है. या ऑफ कोर्स ये बहुत ही जो है ये एक सिविलाइज्ड प्लांट लग रहा है. इसकी लीव्स काफी परफेक्ट है एंड इवन शेप काफी परफेक्ट है. एंड ये देखो इसकी लीव्स भी थोड़ी फटी हुई है यहाँ से एंड दिस इज जस्ट गोइंग एनीवेयर. तो बेसिकली जैसा इन्होंने हमें बताया है यहाँ पर दो लीव्स के बीच में जगह है तो वहां पर हम कट करेंगे. इससे प्लांट को कोई डैमेज नहीं होगा. वी जस्ट कट इट. यस परफेक्ट. तो इस ये क्या होगा इसकी दो ब्रांचेस और होगी. तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पौधा ऐसे स्टेम में ग्रो होता है. जब आप उसको कट करते हो उसके दो ब्रांचेस उगते हैं फिर आप तो आपका प्लांट बहुत घना हो जाता है. हम आज आपको बताएंगे कि आप आपके घर में पालक कैसे ग्रो कर सकते हैं. क्योंकि जो हमें पालक मार्केट से हम लेते हैं वो फ्रेश नहीं होती है. फ्रेश छोड़ो उसको बहुत गंदी होती है. गंदी होती है एंड ऑल्सो पालक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है. व्हाट आई हैव पर्सनली डन बिकॉज मैं खुद भी कुक करती हूँ इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन पालक. आपको पता नहीं कि कब तक यू नो हैव यू टेकन आउट ऑल द जर्म्स फ्रॉम पालक और नॉट एंड उसके लीव्स कहाँ कहाँ से गुजर के आए हैं हमारे पास वो हमें नहीं पता होता. सो इफ यू कैन ग्रो पालक एट होम आई थिंक इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती. यस. तो हम आपको पहले बताएंगे कि आपको किस तरह की सॉइल यूज़ करनी चाहिए. अब मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ कि जो नर्सरी में जो सॉइल मिलती है वो क्ले सॉइल होती है. ये सॉइल हमें दो रीज़न से यूज़ नहीं करनी है क्योंकि इसमें प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं है और दूसरी बात है कि ये पानी को रिटेन नहीं करता बराबर. तो हम उसकी जगह पर वी आर यूजिंग दिस अदर सॉइल जिस जो है कोकोपीट और कॉम्पोस्ट मिक्सड है. जो नारियल हम यूज़ करते हैं तेल बनाने के लिए या नारियल ड्राई जो ड्राई हो जाता है उसके सूख जाता है उसकी जो वो ड्राई रेशे रहते हैं उसके उसको वो कूट के प्रोसेस करके ये सॉइल बनते हैं. और हमने इसके साथ मिक्स की है खाद दैट इज कॉम्पोस्ट. कॉम्पोस्ट यस ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट कॉम्पोस्ट. यस. वेरी एक्साइटेड. ये पता नहीं कैसे निकलेगा बट जस्ट द होल थॉट ऑफ ग्रोइंग इट बाय माई सेल्फ. यू नो माई डैड इज़ गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ मी क्योंकि मेरे पापा को गार्डनिंग बहुत पसंद है और उनको जब पता चलेगा कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ काफ़ी खुशी होगी उनको दूर बैठे हुए. वाओ इट्स वेरी I don't know if you understand. It's very soothing to your hands. This is very soothing. I think ये एक बहुत ही बढ़िया stress buster मुझे लग रहा है. ऐसे बस अपने हाथ इसमें आप डाल के खेलते रहिए. अब हम इसमें सो करने के लिए हम इसमें एक line बनाएंगे like a row. Okay. So we're just going to make lines like yeah, that. Yeah, we're going to make ऐसे हम तीन या चार lines बनाएंगे. ये जो पालक के seeds हमारे पास है apparently अगर हम इसको soak करके अगर उगाएंगे तो पानी में भिगा कर अगर हम इसको डालेंगे तो ये जल्दी उगते हैं. करिए कम से कम 2 से 3 दिन जल्दी. लेकिन अभी ये dry seeds है. अभी इसको प्लेस करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली के डिस्टेंस पर हम इन्हें डाल रहे हैं इसके अंदर. जितनी सीड्स हमने अभी इसमें डाले हैं इन सबको हम ऐसे पाम से ही सिर्फ कवर कर रहे हैं. पानी स्प्रिंकल करेंगे. okay. आपको अब जब आपने अपने सीड सो किए हैं आप इसको सूखने मत दीजिए. रोज आपको इसमें पानी डालना है. mm-hmm. और बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं. okay. थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे ऊपर पानी. हर रोज हमें इसमें इतना पानी डालना है जितना अभी आज हमने डाला है. रोज सुबह इसमें इतना पानी जाएगा. ओके. एंड इसको सारा टाइम सनलाइट पे एक्सपोज रखना है बेसिकली जहाँ पर खिड़की में भी रखेंगे जहाँ लाइट आ रही है. ओके.
अभी हम बहुत ही प्यारे फूल ग्रो करने की कोशिश करने वाले हैं. तो ये जो अभी हमने इसके अंदर डाला है मैन्योर, कोकोपीट जिसको बोलते हैं, उसके कॉइन्स है बेसिकली, उसका हार्डन वर्जन है ये. उसके बाद हमारे पास ये बहुत ही प्यारे उस फ्लावर के सीड्स हैं. एंड देन वी हैव दी स्टिक्स जिसपे हम ऑफकोर्स लिखेंगे कि कौन सा फ्लावर और कौन सी डेट पे हमने ग्रो किया है. ये सीड्स देखेंगे कि बहुत जैसे कॉटन जैसे हैं. कैन आई फील दिस? या श्योर. ओ माय गॉड, बहुत ही डेलिकेट से है ये. नेचर में ये हवा से उड़ के ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके, सो लाइक आप जरा से भी हुक मारेंगे दे आर गोना फ्लाई. तो ऐसी सीड्स नेचर में वो सिर्फ ऐसे ही सॉइल पे गिर के ऐसे ही उग जाते हैं. मतलब okay. उन्हें थोड़ी रोशनी की ज़रूरत है जर्मिनेट होने के लिए. अगर आप इसमें पूरा आप सॉइल से कवर कर देंगे जैसे हमने स्पिनच को कवर किया है तो ये जर्मिनेट नहीं होगा. okay. तो इसमें सिर्फ आपको ऊपर ही रखना है और सिर्फ थोड़ा सा प्रेस कर देना है. ये और एक बहुत अच्छा तरीका है. फूल तो अच्छे दिखते हैं बट और एक रीजन है आपको और फूल लगाने चाहिए, जो मधुमक्खियाँ रहती है right. बीज, हम उनसे बहुत डरते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता है उसको निकाल दो right. बट वो बहुत जरूरी है हमारे खाने के लिए. अब आप समझिए, आप काकड़ी का पेड़ उगा रहे हैं उस पर काकड़ी पे फूल आते हैं. अगर वो मधुमक्खी वहाँ नहीं आएगी तो आपकी काकड़ी, आपको कभी फ्रूट नहीं मिलेगा उस पर. तो बीज पॉलिनेशन करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे टेक सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आई थिंक ये जो है ये पहला मेरे घर के अंदर इनॉग्रेशन हो रहा है प्लांट्स का. आज तक कभी मैंने अपने घर में प्लांट्स रखे नहीं है बिकॉज मुझे हमेशा डर रहा है कि मेंटेनेंस कैसी होगी. बट कंसिडरिंग शी सेइंग कि सिर्फ एक बार दिन में पानी देना है, विच आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन टेक आउट दैट लिटिल वन मिनट ऑफ टाइम, तो इसीलिए आज पहली बार मेरे घर में इतने सारे पौधे आए हैं. पुरानी बाल्टी है, बाल्टी करेक्ट, मग्गा है, जूता है, जो भी है, जूता, इन शूज, जो जूतों में भी ग्रो करते हैं, तो डोंट थ्रो देम अवे. दैट्स गोना बी लाइक सम आर्ट, लाइक वो तो प्लांट की आर्ट ही हो जाएगी अगर जूतों में हमने ग्रो किया. पर ऑफकोर्स, तो ऑल वी आर ट्राइंग टू से इज कि आपको स्पेशली जाकर ये टब वब खरीदने की भी जरूरत नहीं है. ऑल यू नीड इज सम सीड्स एंड यू नीड द राइट सॉइल, एंड उसके बाद ऑफकोर्स आप मैजिक कर सकते हैं प्लांट्स के साथ. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.